अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज 24x7.com और मैं हूं आफताब आलम। जी हां, साहस है सच दिखाने के लिए। AIIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने प्रज्ञा सिंह ठाकुर और नरेंद्र मोदी के बयान पर जमकर हमला किया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ये दावा कर रहे हैं, जिस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं इलेक्शन में, वो सही नहीं है। और इसके साथ साथ प्रज्ञा सिंह ठाकुर को टिकट देकर नरेंद्र मोदी ने बड़ी गलती जरूर कर दी है। और ये एक्सपोज करता है कि नरेंद्र मोदी जो आए दिन हर अपने भाषण में सिक्योरिटी, टेररिज्म, घर में घुस के मारेंगे, बालाकोट का जिक्र कर रहे हैं, बावजूद इलेक्शन कमीशन ने मना किया। अब वो बताएं कि इसके ऊपर क्या है इनका ओपिनियन, इस प्रज्ञा ठाकुर के स्टेटमेंट पर क्या ओपिनियन है। ये तो तौहीन है, सबके लिए तौहीन है। उन पुलिस वालों को उनका मोरल डाउन हो जाएगा, उनसे उन ATS के लोगों को क्या लगेगा कि भाई उनका एक ऑफिसर शहीद हो गया। आप बताइए कि इतनी तौहीन आमेज बात है ये। प्रज्ञा ठाकुर के ऊपर हेमंत करकरे ने चार्जशीट डाली, चार्जशीट डालकर उसमें हेमंत करकरे लिखा कि हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते थे ये और कर्नल पुरोहित और तमाम लोग, इनके पास से सब्सटैंशियल एविडेंस निकला, कोर्ट में केस चल रहा है। अरे भाई, आपको कोई कैंडिडेट नहीं मिला, आप क्यों, क्या पैगाम देना चाह रहे हैं? वो जो लोग मर गए मालेगांव में, 6 लोग मर गए, 100 जख्मी हुए, क्या उनको लग रहा होगा, क्या उन पर बीत रही होगी? तो आपने सुन लिया ओवैसी के बयान। ओवैसी ने साफ तौर पर कहा कि ये सही नहीं है, लेकिन आने वाले वक्त में साफ हो पाएगा कि क्या ओवैसी के बयान से देश की जनता पर इसका कितना असर पड़ेगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, जरूर कीजिए। नमस्कार, शुक्रिया, आदाब।